Hello kids, good morning. How are you today? Today we are going to do cotton wool activity. Okay, आज हम क्या करेंगे? Cotton wool activity करेंगे. आप every Saturday activity करते हो ना? हर Saturday आप एक नई activity learn करते हो. आज भी एक नई activity आप learn करोगे. उसका नाम क्या है? Cotton wool activity. ओके तो अभी आपको क्या करना है, ये एक्टिविटी आपको किसमें करनी है? आपके पास जो आर्ट एंड क्राफ्ट की बुक है, देखो यहाँ मेरे पास है ये आर्ट एंड क्राफ्ट की बुक. ओके मैंने भी ये आर्ट एंड क्राफ्ट की बुक ली है, उसमें ओपन पेज नंबर 11. ये पेज नंबर कौन सा है? 11. पेज नंबर 11 आपको ओपन करना है और उसमें ही हम ये एक्टिविटी करेंगे. Now read this sentence. Deep cotton wool in purple poster, color and print on the brinjal. यहाँ पे क्या लिखा है? ये जो brinjal है उसमें हमको cotton dip करके क्या करना है? Color करना है. Okay. Now look at here. Here I have two bowls. In two bowls I take different two colors. In one bowl I take purple color and second bowl I take green color. Okay, and also I am using cotton because activity name is cotton wool activity. So we need two cotton and different colors. Okay, first के अभी हमको क्या करना है? Cotton लेना है और ये cotton ऐसे होता है तो हमको ऐसे थोड़ा सा उसको ऐसे कर देने का है क्योंकि रिपी करना है ना हमको. और फिर ये बाउल लूंगी मैं जो कलर वाला है, पर्पल कलर वाला, उसको ऐसे डिप करूंगी. देखो आपको ऐसे ही डिप करना है और उसके बाद ये जो डिप हुआ जो कॉटन है कलर वाला उसको मैं ऐसे यहाँ पे रब करूंगी धीरे धीरे से. ये बाहर जाना चाहिए नहीं, ऐसे आपको क्या करना है, सारा ही जो ब्रिंजल है उसमें रब करना है, धीरे धीरे से रब करना है. देखो आपको ऐसे ही ये कॉटन को क्या करना है, रब करना है. आपको पता है ना, देखो ये हो गया ब्रिंजल में कलर. अभी देखो ये ऊपर की साइड जो ये है ना उसको हम क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं. क्या कहते हैं? क्राउन कहते हैं. तो ये जो क्राउन है ना वो पर्पल कलर का नहीं होता, आप सबने ब्रिंजल को तो देखा ही होगा. ऊपर का ये जो क्राउन है ना वो ग्रीन कलर का होता है. तो अभी हम क्या करेंगे, ग्रीन कलर को लेंगे. उसके बाद उसको भी ऐसा ही करना है, उसको हम जो ये वाटर कलर है ना ग्रीन कलर उसमें डिप करेंगे. डिप करने के बाद यहाँ पे रब करना है, धीरे धीरे से रब करना है. ऐसे ही आपको करना है क्योंकि ना बाहर निकल जाता है कलर. से आपको धीरे धीरे से ये जो कॉटन वूल है उसको रब करना है. अभी देखो ये कॉटन वूल जो एक्टिविटी है वो हो गई और ब्रिंजल भी देखो आप, जैसे आप ब्रिंजल देखते हो ना वैसे ही ब्रिंजल में हमने कलर कर दिया. ओके अभी देखो ये ब्रिंजल है ना जिसमें हमने कलर किया है तो इसको हम अभी ड्राई करने के लिए छोड़ देंगे.
Okay, now look at here. अभी देखो ये dry होने के बाद उसका color brinjal जैसा दिखता है ना? अभी ये जो brinjal है ना, उसमें हम black crayon से border बनाएंगे. आपके पास black crayon है ना? आपको वो लेना है और ऐसे ही देखो मैडम कर रही है ना? ऐसे ही आपको भी border करना है. आपको ऐसे धीरे धीरे से border करना है. अभी देखो ये border कैसे हो गए. आपको ऐसे पूरे brinjal में border करना है. ऐसे ही देखो जैसे मैडम भी कर रही है ना, जैसे आप तो मैडम को देखते ही करना है और धीरे धीरे से करना है. border हमेशा हम कैसे करते हैं, वो देखो. ओके देखो अभी ये border हो गया ना. आपको घर पे ऐसे ही वीडियो देख के ये एक्टिविटी करनी है. थैंक यू.